But Prime Minister Modi, people still expect that a 25 lakh crores will be brought back and put into their bank accounts. How will you address that expectation? ये जो उम्मीद है लोगों की, जो उम्मीद है ब्लैक मनी को लेकर, आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये समस्या क्यों पैदा हुई? ब्लैक मनी विषय इतना गंभीर रूप क्यों लिया? इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस देश के सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये बात घर कर गई है कि जो लोग चोरी करते हैं वो विदेशों में रुपये ले जाते हैं। सामान्य मानवीय रियलिटी है। इवन मैं भी जब तक सामान्य नागरिक के नज़र से देखो तो मुझे भी लगता है यार ये पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे भी लगता था। संसद में हमेशा इस बात को टाला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश किया कि एसआईटी बनाओ, उसको भी 3 साल तक पुरानी सरकार ने टाल दिया, 2011 से 2014 तक। तब राजनीतिक दलों के मन में, देश के मीडिया के मन में, देश के सामान्य मनवी के मन में कुछ तो काला है जी, तो काला धन का एजेंडा बनने का मूल कारण। और ये बात मैं आज भी कह सकता हूं, ये ठीक है कि विदेशों में पैसे हैं तो उसके कुछ नियम हैं दुनिया के साथ बातचीत करने का, लेकिन 2011 से 14 के दरमियान ऐसे लोगों को अपने रुपये इधर उधर करने का एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया गया और परिणाम ये हुआ कि ये लोगों को मौका मिल गया, इधर उधर जो कुछ उनको करने का मौका मिल गया। दूसरी बात है, हमने आते ही कैबिनेट का पहला डिसीजन एसआईटी बनाना काले धन के लिए, जो कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंडिंग पड़ा था, ये हमारी सिंसियरिटी दिखाता है। तब से लेकर के विदेश के काले धन के लिए जो कठोर कानून बना है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कठोर कानून है, और जो भी उसमें लपेट में आएगा उसका क्या हालत होगा वो कानून देख करके पता चलेगा। तीसरी बात है, मैं G20 समिट में गया, कभी G20 समिट में काले धन की चर्चा नहीं होती थी। G20 समिट की मेरी पहली मीटिंग थी, मैं पहली बार दुनिया के देश के नेताओं को मिला था और G20 समिट में पहली बार एक पैराग्राफ ये अनअकाउंटेड मनी के ऊपर आया, ब्लैक मनी पर आया, और 20 देशों का भी इसमें हमने दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए, ये डर्टी मनी, ये ब्लैक मनी, ये सारे टेररिज्म के साथ भी जोड़ करके देखा गया। विश्व सहमति का माहौल बना, दुनिया के कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट एक के बाद एक कर रहे हैं कि भाई आप हमको रियल टाइम ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई। मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया, भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है, वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी एक बात आपने देखा होगा, मॉरिशस रूट, हर चीज में मॉरिशस रूट आता था जी, भारत से काला धन बाहर जाना फिर मॉरिशस रूट से आना, ये एक चर्चा हो रही थी। सबको लगता था कि मॉरिशस रूट का कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में पुनर्संशोधन किया और मॉरिशस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये सारे निर्णय काले धन के खिलाफ लड़ाई के हैं, ये एक जगह से बंदूक चलाने से काम होने वाला काम नहीं है, हो रहा है। दूसरा, भारत में काला धन जनरेट ना हो, भारत से काला धन बाहर ना जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम नजर आ रहा है। ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है तो उस पर आप चुनाव में ऑपोजिशन के लोग बोलने के लिए रहने दीजिए ना उनको, इतना तो रहने दीजिए उनको बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी, देर